Hello everyone. Today we are going to talk about tense. We all know that there are three kinds of tense. Tense तीन तरीके के होते हैं broadly, जिन्हें हम लोग present tense, past tense और future tense के नाम से जानते हैं. Present यानी इस वक्त का वक्त, और past यानी जो वक्त बीता हुआ है, और future यानी जो वक्त आने वाला है. तो tense की ये तीन broad categories होती है, जिसे हम लोग present tense, past tense और future tense के नाम से जानते हैं. Now अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं और थोड़ा detail में जाएं, तो ये वाला वक्त प्रेजेंट का है, और इस मोमेंट से पहले जो भी वक्त था दैट इज गॉन बाय, दैट इज अ टाइम गॉन बाय, और उसे हम पास्ट कहते हैं. और इस मोमेंट के बाद आने वाला जो भी वक्त है उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं. फ्यूचर इज ऑलवेज अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन. सो फ्यूचर इज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस. अब अगर हम लोग इस टेंस की बात करें, तो इस सारे टेंसेस को हम लोग चार ब्रॉड कैटेगरीज में बांटते हैं, चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो. ये तो मेन ब्रॉड कैटेगरी हो गई. अब इसके बाद हम इसे सब कैटेगरीज में बांटते हैं, और ये सब कैटेगरीज होती है. पहली कैटेगरी जिसे हम लोग इंडेफिनिट यानी सिंपल के नाम से भी जानते हैं, इंडेफिनिट यानी सिंपल, जो बात नॉर्मली कही जाए. दूसरी कैटेगरी बनती है कंटिन्यूअस की. कंटिन्यूअस यानी जिसमें मोशन हो, जिसमें काम के होने के बारे में जिक्र हो रहा हो. ध्यान रहे, टेंस हमेशा किसी काम के बारे में ही बात करता है. अगली कैटेगरी आती है जो कि है फ्यूचर टेंस की. फ्यूचर यानी आने वाला टाइम, और उसमें जो कैटेगरीज बनती है वो होती है परफेक्ट की. परफेक्ट यानी जो काम कंप्लीट हो चुका है. कंटिन्यूअस में काम की शुरुआत हो चुकी होती है, चाहे वो 1% काम की शुरुआत हुई हो, चाहे वो 99% हो, कुछ भी हो, काम तो चल ही रहा होता है, दैट्स फॉर श्योर. परफेक्ट में वो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी काम के कंप्लीशन के बारे में बात आती है. और अगली कैटेगरी बनती है दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें टेंस के परफेक्ट होने का भी पता होता है, और परफेक्ट होने के साथ साथ काम के दोबारा कंटिन्यूअस हो जाने का भी भाव हमें मिलता है. तो किसी भी टेंस की मैं बात करूं, चाहे मैं प्रेजेंट की बात करूं, पास्ट की बात करूं या फ्यूचर की बात करूं, इन सब की चार ब्रॉडर कैटेगरीज होती है. अब अगर हम लोग मेन कैटेगरी और सब कैटेगरीज की बात करें, तो तीन मेन कैटेगरी और चार सब कैटेगरीज, यानी ऑल टुगेदर 12 तरीके की कैटेगरीज बनती है टेंस की. इसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं. पहली कैटेगरी जो बनती है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं. दूसरी कैटेगरी जो बनती है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट के नाम से जानते हैं. तीसरी कैटेगरी जो बनती है उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं. कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आए तो प्रेजेंट में जो होती है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और जो पास्ट में होता है वो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और जो काम फ्यूचर में हो रहा होता है उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. अगली कैटेगरी परफेक्ट टेंस की आती है, और प्रेजेंट में अगर वो काम हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट में अगर काम हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर में अगर काम हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस. मैं आपको एक एग्जांपल भी देके थोड़ी देर बाद बता दूंगा. अगली कैटेगरी आती है परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ बनती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इसमें पहली कैटेगरी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरी कैटेगरी होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरी कैटेगरी होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम लोग बात करें, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल हिंदी में देके समझाता हूं. एनीथिंग दैट इज हैबिचुअल. फॉर एग्जांपल, मैं चाय पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं, ये मेरी आदत है, मैं अभी नहीं पी रहा हूं लेकिन मैं पीता हूं. अगर इसी को मैं सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट पे कहूंगा तो मेरी तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा मैंने कॉफी पी या मैंने चाय पी. अगर इसी को मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहूंगा तो मैं कहूंगा मैं कॉफी पीऊंगा या चाय पीऊंगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कॉफी का कप मेरे हाथ में होगा और मैं पी रहा हूंगा, तो वैसी कंडीशन में मैं कहूंगा कि मैं चाय पी रहा हूं या मैं कॉफी पी रहा हूं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं एग्जांपल दूंगा कि मैं चाय पी रहा था या मैं कॉफी पी रहा था. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैं एग्जांपल दूंगा ऐसा एग्जांपल जिससे पता चले कि फ्यूचर में ये काम कंटिन्यूअस हो रहा होगा. तो वैसी कंडीशन में मैं कहूंगा कि थोड़ी देर बाद, इस रिकॉर्डिंग के बाद, मैं कॉफी पी रहा होऊंगा. ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ. अब हम लोग परफेक्ट में बताएं तो मैं कहूंगा मैंने कॉफी पी ली है या मैं कॉफी पी चुका हूं, यानी ये काम प्रेजेंट में हुआ है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं. पास्ट में अगर हम चले जाएं तो ये काम होगा कि मैंने कॉफी पी ली थी या मैं कॉफी पी चुका था, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा कि मैं एक घंटे में कॉफी पी चुका होऊंगा. ये होऊंगा वाली जो फीलिंग होती है इससे पता चलता है कि काम कंप्लीट हो चुका होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? ये वो टेंस होता है जो डिनोट करता है कि काम अभी भी हो रहा है और पहले से भी चला आ रहा था. जैसे मैं चाय पीता रहा हूं या मैं कॉफी पीता रहा हूं, इसका मतलब मैं पहले से भी पीता था और अभी भी पीता हूं. इसी में अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएं तो सेंटेंस बन जाएगा मैं चाय पीता रहा था. फॉर एग्जांपल, मैं लास्ट ईयर तक चाय पीता रहा था, यानी मैं काफी दिनों से चाय पी रहा था लेकिन लास्ट ईयर के बाद मैंने चाय कॉफी पीना छोड़ दिया.
अगली जो कैटेगरी होती है वो होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी मैं आने वाले समय में भी चाय तो पीता रहूंगा, ये एक आदत है मुझे लगी हुई और इसमें इस आदत को कंटिन्यू करूंगा, ये आदत मैं चेंज नहीं करने जा रहा हूँ। सो दैट इज नोन एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप टेंस के बारे में आपको इस छोटे से वीडियो से सारी जानकारी मिल गई होगी। बेहतर होगा कि आप इस बात को और समझने के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल सेंटेंसेस लेकर इस तरह के वाक्यों को बनाएं और इसको समझें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टेंस को इंग्लिश में कैसे किया जाता है। फिलहाल हमने देखा कि टेंस क्या होता है और इस टेंस के बारे में हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। थैंक यू सो मच।